पिछले कुछ समय से एक तरह से तनातनी देखी जा रही है गुजर बकरवाल समुदाय में, पहाड़ी समुदाय में, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि अब एसटी की श्रेणी में जो है वो पहाड़ी समाज भी आया है, जिसके बाद उनके खेमे में तो खुशी की लहर है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल या निशान जो है वो गुजर समुदाय व बकरवाल समुदाय उठा रहा है। तमाम आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इन सवालों के कैसे जवाब दिए। के साथ जो इस्तेसाल हुआ वो खत्म करेंगे, लेकिन गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी और शीना लोग जिनको पहले से ही एसटी के दायरे में एसटी के हकूक है, उससे कोई छेड़खानी किसी किस्म की नहीं की जाएगी। अमित शाह साहब ने 4 अक्टूबर 2022 को रजौरी की रैली में और 5 अक्टूबर 2022 को बारामूला की रैली में और 23 जून को जम्मू में इस बात को फिर दोहराया कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हक दिए जाएंगे, लेकिन गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी और शीना लोगों के हकूक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। कितना बड़ा फैसला। और इसके साथ साथ ओबीसी कम्युनिटी जिसमें 42 कास्टें हैं उनको भी उनके हकूक दिए जाएंगे। मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, और हकूमत का काम होता है हर शहरी के हकूक का तहफुज करना, उसका ख्याल रखना। साथियों, आज अगर पहाड़ी कबीले के लोगों को मोदी साहब उनके साथ इंसाफ करेगी, मोदी साहब अगर पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ आज इंसाफ करेंगे, जस्टिस करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ उससे भी अच्छी बात यह है कि गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी और शीना कम्युनिटी के लोगों को जो हकूक एसटी के जो 10% रिजर्वेशन यहां मिल रही है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये तमाम जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, ये जो बीजेपी एसटी मोर्चा के आज बड़ी तादाद में हमारे वर्कर्स हमारे लीडर जहां आए हैं, मैं आपको यकीन दहानी देता हूं आपके हकूक के साथ, आपके हक के साथ, आपके एसटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन जो मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस मिशन के तहत पहाड़ी लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा। 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जब अमित शाह साहब ने यह ऐलान कर दिया कि किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा और पहाड़ियों को हक दिया जाएगा, मुझे लगता है यह बहुत बड़ा फैसला। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, खासकर जो बीजेपी एसटी मोर्चा के हमारे वर्कर्स हैं, जो दूर दराज से यहां आप आज बड़ी तादाद में आप यहां पहुंचे हो,
मैं आपको यकीन दानी देता हूं, ये मोदी सरकार सबकी सरकार है। बहुत प्रोपेगंडा किया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोपेगंडा, जगह जगह शगुफे छोड़े जा रहे हैं और गुजर बकरवाल लोगों को ये डराया जा रहा है कि शायद उनके हक काट के, उनका कोटा काट के पहाड़ी कबीले को दिया जाएगा। ये सरासर झूठ है, ये प्रोपेगंडा है। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दिल्ली के अंदर पहाड़ी कबीले के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको बुलाया, और गुजर बकरवाल कबीले के भी बड़े जो सियासी रहनुमा हैं उनको दिल्ली बुलाया और ये वाज़े किया कि पहाड़ियों को हक दिए जाएंगे लेकिन गुजर बकरवाल कबीले के हकूक से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि चंद दिनों के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिबेट होगी, अभी पार्लियामेंट में यह बिल पेश किया गया है, और जब पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होगी, खुद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब पार्लियामेंट के अंदर जब ये बात रखेंगे और ये बात पूरे तरीके से वाज़े हो जाएगी कि पहाड़ी कबीले को अलग से एसटी के हकूक दिए गए हैं और गुज्जर बकरवाल कबीले के हकूक से कोई छेड़खानी नहीं की गई है, आप देखेंगे गुज्जर बकरवाल कबीले में भी जबरदस्त खुशी की लहर होगी और पहाड़ी कबीले में भी जबरदस्त खुशी की लहर होगी। इंसाफ करना हमारा मजहब है, धर्म है, सबके साथ इंसाफ करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार सबके लिए होती है, सरकार का काम है सबका ख्याल रखना, और मोदी साहब का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।